वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका प्रूफ सीखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसको अगर सीख लेते हैं तो हमारे 2 से 4 नंबर तक पक्के हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए। देखिए स्टूडेंट, एक प्लेन है और इस प्लेन में मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ABC कोई ट्रायंगल है, इसी का एरिया हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग इसका कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट है x3, y3। 3 कोऑर्डिनेट है। इस पर हम लोगों ने तीनों पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है x एक्सिस पर, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और D पर चले गए, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और E पर चले गए, और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया F पर चले गए। तो बेसिकली इससे हम लोग को मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ट्रेपेजियम मिल जाता है। ट्रेपेजियम से हम लोग का काम बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर किसी ट्रायंगल एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्रेपेजियम BAET। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 2 ट्रेपेजियम बनेंगे, एक ट्रेपेजियम ये, एक ट्रेपेजियम ये, और उसमें से अगर इस पूरे सेक्शन को माइनस कर दें, नीचे वाला जो डॉट से बनाया हुआ है, तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BAED, ठीक है, और प्लस एरिया ट्रेपेजियम कौन है भाई, ACFE, ये ट्रेपेजियम, और इसमें से हम लोगों को क्या करना है, माइनस कर देना है, एरिया ही माइनस करना है। एरिया किसका, ट्रेपेजियम का एरिया, कौन सा एरिया, DBC और F। ये अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग को काम बन जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि पूरा ये यहाँ तक का सेक्शन हम लोगों ने लिया, फिर यहाँ तक का सेक्शन लिया, एक यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और इसमें से बीच में वाला माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, ABC है। ABC यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। इसी को देखते हैं कैसे। देखिए, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, ठीक है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, जो समांतर हैं, जो पैरेलल साइड्स हैं, उनका क्या लिया जाता है, उनका सम लिया जाता है, और बीच में ऊंचाई ले ली जाती है। यहाँ से एक चीज़ मुझे पता करनी है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है ना जी, तो अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा x1 - x2। DE डिस्टेंस x1 - x2, क्लियर। अगर मुझे EF डिस्टेंस चाहिए तो EF डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ तक चल जाइए x3 - x1 चाहिए, क्लियर। यह चीज़ हम लोग को पता चल चुकी है, दो चीज़ें पता चल चुकी हैं। देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BAED में देखेंगे दोनों पैरेलल साइड्स ये वाली हैं, BD और AE, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ऑफ समांतर भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ द पैरेलल साइड्स BD + AE टू जो उसकी हाइट है DE प्लस हाफ ऑफ ACFE, यहाँ से ये कौन सा डिस्टेंस है भाई, AE
प्लस सी एफ और हाइट हो जाएगी ई एफ, माइनस करना है, माइनस करना है हाफ ये पूरा डिस्टेंस इतना दूर। पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग दिमाग लगाएंगे, और दिमाग क्या लगाएंगे देखिए, और डी एफ निकालना है, ये भी लिख लेता हूँ, डी एफ निकालना है, यहाँ तक पूरा डिस्टेंस x3 और यहाँ तक डिस्टेंस x2 माइनस x2, हो गया भाई, बस इतना ही दिमाग लगाना था, काम हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं ये डी बी सी एफ में, ये लाइन और ये लाइन, ये साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, बी डी प्लस सी एफ इंटू जिसकी हाइट है डी एफ है, बस इतना कर दिया हमने। अब काम देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, हाफ ऑफ बी डी प्लस ए ई, बी डी प्लस ए ई, बी डी कहाँ है, बी डी है वाई टू प्लस ए ई, ए ई कौन है वाई वन, और डी ई, डी ई कौन है जी, डी ई का मान निकाल दिया है एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस हाफ ऑफ ए ई, ए ई कौन है, ए ई, ए ई कौन है वाई वन प्लस सी एफ, सी एफ कौन है वाई थ्री, और ई एफ कौन है, ई एफ है एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ बी डी, बी डी कौन है वाई टू, सी एफ कौन है वाई वन है, सॉरी सी एफ कौन है वाई थ्री है जी, वाई थ्री, और डी एफ कौन है, डी एफ है एक्स थ्री माइनस एक्स टू, क्लियर। अब हाफ को कॉमन ले लेते हैं, हाफ को हम लोगों ने कॉमन ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर, देखिए वाई टू एक्स वन, वाई टू एक्स वन, वाई टू में एक्स वन से पहले इससे गुना होगा, फिर वाई टू इससे एक्स टू से गुना होगा, वाई टू एक्स टू प्लस वाई वन एक्स वन, वाई वन एक्स टू, मैं ब्रैकेट हटा ही देता हूँ, बाद में देखा जाएगा। फिर देखिए वाई वन एक्स थ्री माइनस वाई वन एक्स वन प्लस वाई थ्री एक्स थ्री माइनस वाई थ्री एक्स वन, अभी लास्ट वाला प्लस, अच्छा ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस में होगा ना, माइनस में होगा, ठीक है, ये माइनस में होगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं y2 x3 माइनस साथ साथ करते चलेंगे, माइनस लगा के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y2 x2, फिर माइनस y3 x3 माइनस माइनस प्लस y3 x2, ठीक है, और ये बंद कर देंगे ब्रैकेट क्योंकि हाफ को मैंने कॉमन लिया हुआ है। देखिए अब जहाँ जहाँ x1 है वो कॉमन ले लीजिए, x1 x1, और देखिए ये x1 मिल गया, अच्छा ये भी x1 ले लेते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, तो हाफ ऑफ x1 को जैसे ही कॉमन लिया तो मिल गया हमको y2 इसका प्लस y1 इसका माइनस y1 और इसका माइनस वाई थ्री, ठीक है, अभी मिटा देता हूँ इसको, ये हो गया, ठीक है। अब एक्स टू कॉमन लेते हैं, एक्स टू देखिए, एक्स टू यहाँ पे भी मिल रहा है, एक एक्स टू, दूसरा एक्स टू, तीसरा एक्स टू और चौथा एक्स टू मिल गया, प्लस एक्स टू और कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर एक्स टू यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस माइनस वाई वन, सॉरी वाई टू और ये माइनस वाई वन, ठीक, प्लस एक्स थ्री को कॉमन ले लेते हैं, एक्स थ्री इसको मिटा देते हैं ताकि पता चल जाए, एक्स थ्री, एक्स टू 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 थ्री एक, थ्री टू थ्री और ये फोर, ठीक है। देखिए वाई थ्री जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से वाई थ्री नहीं, सॉरी एक्स, एक्स थ्री कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बच गया वाई वन,
इसमें से x निकल गया था बचा वाई थ्री, इसमें से x निकल था माइनस वाई टू, इसमें से निकला था माइनस वाई थ्री। ध्यान दीजिए y1 y1 कट गया, y2 y2 कट गया और y3 और y3 कट गया। तो ये जो सवाल जो था हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से बन किया जाएगा। x1 यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, यही है। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको हम लोग बेसिकली याद कैसे रखेंगे, ये याद करने की टेक्निक है, अलग तरीका है, हम इसको भी सीखते हैं कैसे याद रखेंगे, ठीक है। मैं उसे मिटा देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिकली ये फार्मूला आसानी से याद रहता है, कुछ भी करने की जरूरत है, इतना ज़्यादा बहुत आसान है, ठीक है। देखिए कैसे याद होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। देखिए देखिए बहुत ही आसानी से आपको करना क्या है, आपको एक सर्किल बनाना है और किसी भी डायरेक्शन में आपको 1 2 3 लिख देना है। कैसे भी आप इधर से भी लिख सकते हो 1 2 3, आपको जैसे मन करे वैसे आप लोग 1 2 3 लिख लीजिएगा। मैं फिलहाल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करता हूँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही वर्क कर लेंगे, काम कर लेंगे, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि ट्रायंगल ए बी सी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। बेसिकली याद रखेंगे ट्रायंगल ए बी सी का हाफ तो होगा ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो इसे हाफ होगा, ठीक। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक्स वन लेना है, एक्स वन। जैसे ही एक्स वन लीजिएगा और इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिएगा 2 3 हो जाएगा, ये y2 माइनस y3 आसानी से 2 से 3। देखिए आगे चलेंगे, वही x2 जब लेंगे, x2 जैसे ही लेंगे तो ये वाला जब हमने कंसीडर किया तो ये y3 माइनस y2 इधर से घूम रहे हैं, किसी भी एक तरफ से घूमना है, कैसे भी आप कीजिए वो उतना ही आंसर आ जाएगा। जैसे तो फिर y3 माइनस y1 और प्लस x3 जैसे लेते हैं, मतलब ये वाला जब लेते हैं तो ये 1 - 2 हो जाएगा, तो y1 - y2। बेसिकली यही फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। x1 जब लिया हमने y2 - y3, x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आसानी से हो जाता है, याद हो जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह चीज़ समझ में आया है और ये जो मैंने टेक्निक बताया है याद करने वाला, ऐसा टेक्निक भी आपने अच्छे से सीख लिया है। बहुत ही बेसिक सा टेक्निक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और यह टेक्निक आपको 11th क्लास में भी, 10th क्लास में शुरुआत से पढ़ना होता है, 11th में भी आपको ऐसे ही काम आएगा, ठीक है। और जहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल जब कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और आसानी से हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी पर्पज़ के लिए और आपके फ़ायदेमंद है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी ये सब टेक्निक सीख पाएँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, थैंक यू वेरी मच।